गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आज देख रहे हो, आज का मौसम ना धूप है ना ही बारिश है, कुछ नहीं है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैं मम्मी हम लोग जा रहे हैं ना मामा लोगों के घर पे, क्योंकि आज है मेरी नानी का श्राद्ध। पीछे पीछे ये भी आ गई। तू कहाँ को है ना, कहाँ जा, घर जा, तू पहले जा रहे। तू कहाँ को जा रही है? तो अभी ऐना को घर पे भेज दिया, अभी मैं मामा लोग के घर पे जा रहे हैं श्राद्ध का भात खाने। मेरा ब्रूनो, ब्रूनो क्या बन गया श्राद्ध का खाना? क्या क्या बना रही है ये मामी? मम्मी ये क्या उधर क्या क्या बनाया मामी ये? दाल भात रायता श्राद्ध का खाना खाने का मजा स्वाद ही कुछ अलग ही होता है। ये देखो लाल मिर्ची भी भुनी है। क्या ये? हाँ बर्ड, बर्ड तो मेरी फेवरेट है। बड़ी भी है, ये चावल की खीर है ना? ये चावल बस 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 घर के चावल लाई, घर का खीर बनाया है। ये खाना बोबू नहीं बना रखे आज ना बोबू। अरे बोबू बहुत बढ़िया, मजा मजा आया। आज ही हो रहा है ऐसा, मैंने बनाया था इतना स्वाद कभी बना ही नहीं आज तक। बोबू हमारा अच्छा बनाते हैं, बोबू तो खाने टेस्टी बनाते हैं। छोटा मोटा त्योहार होता है, सब मुझे हमेशा बुलाते हैं। तीन का पत्ता लाइए मेरे लिए, पहाड़ा होगी तो तिमुल के पत्ते में खाओगे। बदा मैं ना बदा मैं जब हम गाय भैंस पालेंगे हल्द्वानी में, कहाँ से पाले गाय गाय भैंस कहाँ से पाले हल्द्वानी में? जब बाहर जाएंगे हम गाय भैंस पालेंगे तब आना खिलाएंगे आपको, तिमुल के पत्ते में खाना खिलाएंगे। शुद्ध होता है, स्वादी बिल्कुल इसका टेस्ट अलग ही होता है। अरे खाने दिन में तो ऐसे रूम सब आ गया, मौसम माँ भी आ गए पूरी में है। इनकी मम्मी का श्राद्ध है, इनके आत्मा को शांति मिलती है। मैं तो हमेशा खाती हूँ, छोटी बहू है बड़ी बहू है, बड़ी बहू पीछे पीछे लुटी है। ये माता मैं खा रहा हूं, ये भैया है ये खा रहे हैं, मैं बड़ा खा रहा हूं, ये बड़ा खा रहा है इसलिए अपनी बॉडी बना रही है। बॉडी बड़ा 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 खा खा के बॉडी बना रही है, ये बॉडी बना रही है। नहीं खाऊं मैं, कौन चीज खा रहे हैं? हां बॉडी बना रहे हैं। ये खा रहे सलाद का भात कितना स्वाद होता है। ये खा रहे हैं, यहां गंगा है, वो गंगा जी ने खा रहे हैं, ये गंगा कोसी के हाथ में खा रहे हैं। वो सोच रही मेरे को नजर लग जाएगी। करण और दक्षु दोनों स्कूल से घर आ गए हैं। क्या सर आज स्कूल में ठीक था? अच्छा था, मजा आया,
पढ़ाई करी नहीं करी? करी क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा फिर? पल पल का हालत खराब है। पल पल की क्या, आज तो बारिश हो गई। बारिश हुई थी ये अभी भी चल रही है देखो। अभी गाइस बाहर तो बारिश चल रही है, अभी हम लोग अंदर बैठे हुए हैं। ये देखो हमारे कन्नू दक्षु बहुत, अरे वाह क्या लिखे हैं ये, ओएस किसने दिलाया? यहाँ ताई आई है। हमारे कन्नू दक्षु बहुत समझदार, अपने कपड़े खुद ही खोल चेंज करते हैं, है दक्षु? टेबल कितने तक आते हैं देखो? 20। गुड, पूछू? हाँ। जाने लगे घर पे। ये शराब का भात मम्मी भैया के लिए लेके जा रही है, वो नहीं आया यहाँ पे तो वो कॉलेज गया हुआ था। हाँ अभी आ गया होगा वो घर पे, तो हम उसके लिए घर पे ही लेके जा रहे हैं। अभी यहाँ पे बारिश ही आ रही है, थोड़ी बूंदाबांदी गिर रही है, पता नहीं कुछ देर पहले तो काफ़ी तेज आई थी ना बारिश, थोड़ी अभी थोड़ी बूंद बूंद से गिर रहे हैं, क्या पता ज़्यादा तेज आती है, मतलब पता नहीं क्या होता है। और मारने लग गया अपना खाना, नहीं दूंगी है ना अभी तेरे को, अपना नहीं दूंगी आज। चलो हेलो बोल। हेलो गाइस, अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, शाम को मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि कुछ ऐसे काम हो गया था, आ गया था तो उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी अब मैं सोच के रूम पर आ गई हूँ। अगर आपको आज ब्लॉग पसंद आए तो फिर ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।